यूनानी डॉक्टर्स की एसोसिएशन नीमा के मेंबर्स ने आज सीएमओ कार्यालय का घेराव कर स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और एसीएमओ द्वारा की गई कार्यवाही को वापस करने की मांग उठाई, लेकिन नोडल अधिकारी एसीएमओ डॉक्टर नरेंद्र कुमार चौधरी ने कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया तो गुस्साए नीमा के मेंबर्स कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। नीमा के सचिव डॉक्टर नाजिम अली ने बताया कि 12 मई को नोडल अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र कुमार चौधरी ने सनराइज हॉस्पिटल को सील कर बंद कर दिया था और संचालक के खिलाफ धारा 420 और मेडिकल एक्ट में मुकदमा दर्ज करा दिया। इसी कार्यवाही को वापस लेने के लिए सीएमओ कार्यालय में आए थे, लेकिन एसीएमओ अपनी जिद पर अड़े हैं। यदि हमारी मांग नहीं मानी गई तो आंदोलन उग्र हो जाएगा। संचालक डॉक्टर शकील अहमद ने आरोप लगाया कि एसीएमओ रात दिन अस्पतालों में जाकर धन की उगाही करते थे, जबरन मुझे मुकदमे में फंसाया गया है, जबकि मेरा सीएमओ कार्यालय में रजिस्ट्रेशन है। वही एसीएमओ डॉक्टर नरेंद्र कुमार चौधरी ने मीडिया को बताया कि सनराइज हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन सीएमओ कार्यालय में जरूर है, लेकिन 2023 के बाद से नवीनीकरण नहीं कराया गया। 9 बेड का रजिस्ट्रेशन जिस चिकित्सक के नाम से कराया गया था वह मौजूद नहीं मिला। चेकिंग के दौरान 22 बेड मौजूद थे। निरीक्षण के दौरान पैथोलॉजी लैब संचालित थी जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है। NNICU संचालित मिला, लेकिन कोई पीडियाट्रिक चिकित्सक मौजूद नहीं था। उच्च अधिकारियों के आदेश पर मेरे द्वारा कार्यवाही कराई गई है। कार्यालय में आकर यूनानी डॉक्टर्स बिना मतलब दबाव बना रहे हैं। ये हमारी यूनियन नीमा आज धरना प्रदर्शन किया है, उसकी वजह यह है कि जो अभी मौजूदा नोडल ऑफिसर नरेंद्र सिंह जी हैं, ये जगह जगह अस्पतालों पर जाते हैं, वहाँ पे जो है बिना बात के उन्हें जो है सील लगाते हैं, फिर उनसे पैसों की डिमांड की जाती है। 1.5 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक का इनका रेट है, और ये फिर उसे जो है ब्लैकमेल करके, डरा धमका के, तहरीर के नाम पे, फर्जी FIR के नाम पे 420 लगा के वो जो इस तरह से जो है मेंबर को डराया धमकाया जा रहा है, नीमा मेंबरों को डराया धमकाया जा रहा है। देखिए, नीमा मेंबर एक जो है रेस्पेक्टेड डॉक्टर है, एक डिग्री धारक है, सभी यहाँ BUMS डॉक्टर है, जितने भी यहाँ पे डॉक्टर खड़े हैं, मैं भी BUMS डॉक्टर हूँ, मैंने जामिया हमदर्द से BUMS किया है, मैं सनराइज अस्पताल का डायरेक्टर हूँ, लगभग 6-6.5 साल से मैं अस्पताल चला रहा हूँ। सरकार ने मुझे इसी ऑफिस से कोविड सेंटर की परमिशन दी, मैंने वहाँ कोविड सेंटर चलाया, 100 से ज्यादा मरीज वहाँ सही हुए, मेरे अस्पताल में कोविड में एक भी मरीज एक्सपायर नहीं हुआ। लेकिन आज स्थिति यह है कि नरेंद्र जी आए, बोले आपके पास जो है पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है, आपके पास बायोमेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है, और जो है आपके पास जो है अलग अलग अल्ट्रासाउंड, आपके पास अल्ट्रासाउंड है, आपके डॉक्टर एक्सपायर हो गए। मेरा अल्ट्रासाउंड सेंटर 2.5 महीने से बंद है, जिसकी जो है इंटीमेशन मैंने यहाँ ऑफिस में दिए, रजिस्टर में दर्ज है, सीएमओ साहब कुलदीप सर के जो भी संज्ञान में वो चीज है। आपका हॉस्पिटल नाम क्या है? मेरे हॉस्पिटल का नाम सनराइज हॉस्पिटल है, एक रेपुटेड हॉस्पिटल है जो रामपुर दुराय पे, मैं संचालक हूँ इसमें, डॉक्टर गुलनवाज MBBS हैं, वो देखते हैं। क्या सीएमओ कार्यालय में आपका पंजीकरण है? सीएमओ ऑफिस में हर साल की तरह इस बार भी रिन्यूअल हुआ है, 1 तारीख में मैंने फाइल रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर दी है। सीएमओ साहब का कहना है कि 2023 तक आपका पंजीकरण है, उसके बाद पंजीकरण नहीं है। तो अब मैंने फाइल डाल दी है, इस सत्र की फाइल मेरी डली हुई, 2 साल से आपका पंजीकरण नहीं है, रिन्यूअल नहीं। डॉक्टर संजीव बेलवाल ने मुझे पंजीकरण दिया था। देखिए नरेंद्र जी जो अभी नोडल ऑफिसर हैं, वो उनसे जो है बात करने की लगातार हम 11 दिन से 12 दिन से कोशिश की है, वो जो है जो रेस्पॉन्स आना चाहिए या जो एक बात करनी चाहिए वो उस तरह से बात करने तैयार नहीं। देखिए, उनका आश्वासन देना ना देना एक ही बात है, जो भी उनकी डिमांडें थी वो हमने फुलफिल की, जो भी हो सकता था हमसे किया, उसके बाद भी वो हमें उसकी बात भी जो है वो हमें परेशान कर रहे हैं। हमारी मांग ये है कि जो मेरे खिलाफ और भी नीमा मेंबर के खिलाफ जो FIR हुई है, जो हम पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, BUMS हैं, पढ़ के आते हैं, जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा पढ़ाई में खर्च करते हैं, 6 साल का कोर्स करते हैं जो गवर्नमेंट से दिया हुआ है, तो हम लोगों के खिलाफ जो FIR है 420 में FIR है और 2 धाराओं में FIR है, तो हम लोग सम्मानित व्यक्ति हैं, ऐसा नहीं है, हम लोगों का सम्मान है समाज में, हम लोगों का सम्मान है, तो वो FIR को उसे निरस्त कराया जाए।
एक लेटर ये सीएमओ ऑफिस से जारी करे, थाने में भेजे और उसे एफआईआर को खत्म कराया जाए। देखिए अगर इस सॉल्यूशन का इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता है तो हम यहाँ धरने पे बैठेंगे। किसी के नीचे और किस क्या मामला है यहाँ पे? यहाँ पर अभी मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार डिप्टी सीएमओ मुरादाबाद। अभी कुछ दिन पहले एक हॉस्पिटल को सील किया गया था जिसका नाम सनराइज हॉस्पिटल है, जिसका रजिस्ट्रेशन केवल 30 अप्रैल 2023 तक था। पिछले साल इनके द्वारा रिन्यूअल नहीं किया गया और ये अवैध तरीके से हॉस्पिटल चला रहे हैं जिसमें 20 बेड डले हुए हैं और एक वहाँ पे अवैध रूप से लैब चलाई जा रही है और एक वहाँ पे अल्ट्रासाउंड सेंटर भी है जो इनके द्वारा संचालित किया जा रहा है, जबकि जिनके नाम पे इनका कभी पहले रजिस्ट्रेशन रहा होगा उनकी मार्च में डेथ हो चुकी है जो प्रूवन है, और इनके खिलाफ सीएमओ साहब के और अपर आयुक्त महोदय के आदेशानुसार तहरीर दी गई थी थाने में और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। आज ये कई लोग इनके संगठन के लोग मेरे ऊपर प्रेशर बना रहे हैं तहरीर वापस लेने के लिए और ये अवैध रूप से चल रहा है क्योंकि इसका पिछले साल कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। क्योंकि अवैध रूप से संचालित हो रहा है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है और इनको नहीं चलाना चाहिए, जब इनके पास डॉक्टर नहीं है रजिस्ट्रेशन नहीं है इनको नहीं चलाना चाहिए इस तरह से, और जो अवैध रूप से संचालित है सभी के खिलाफ डीएम साहब के आदेशानुसार और उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार सीएमओ साहब के आदेशानुसार समय समय पर कार्रवाई की जा रही है। एलिगेशन तो लगाएंगे ही क्योंकि जाहिर सी बात है जब इनके खिलाफ तहरीर दी गई और मुकदमा दर्ज हो गया है, लेकिन सभी आरोप निराधार और झूठे हैं। मेरी तरफ से कोई आश्वासन नहीं है किसी भी तरह का, जो इन्होंने अगर गलत कार्य किया है तो चाहूंगा मैं कि सख्त कार्रवाई हो इनके खिलाफ, चाहे ये हो चाहे कोई और भी हो जो गलत कार्य में संलिप्त है, और इससे हमारा स्वास्थ्य विभाग बदनाम हो रहा है कि इस तरह के अनऑथराइज हॉस्पिटल चल रहे हैं और जो उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार समय समय पर अभियान चलाए जा रहे हैं और जो गलत मिल रहे हैं उनको सील किया जा रहा है और उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया जा रहा है।